तो फ्रेंड, अगर आप भी इस तरह की मैजिक वाली वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो का पूरा देखिए। मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैंने इसमें कुछ इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करके बताया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का पूरा देखिए। मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी तरीके से पूरा ट्यूटोरियल सिखाया हूँ। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मीडिया का ऑप्शन आएगा, आपको मीडिया पे जाके उस वीडियो को लेकर के आना जिसका आपने रिकॉर्ड किया हुआ है। वीडियो आ जाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने इसका रिकॉर्डिंग कैसे किया हुआ है। ठीक है, आपको मोबाइल पहले ऐसे सेट करके रखना है। ठीक है, उसके बाद ये खाली वाला पार्ट भी रखिएगा ताकि इसका हम लोग कैप्चर का यूज़ कर पाए। ठीक है, अभी देखिए मैं साइड से आके इसको थोड़ा सा प्रेस करता हूँ, फिर आपको हट जाना है। ठीक है, फिर इस कैप्चर का जरूरत पड़ेगा, आपको वापस से ऐसे आगे जाना है, वापस से आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, वापस से हट जाना है। ठीक है, देखिए वापस मैं प्रेस करूँगा फिर वापस हट जाओगा। ऐसे आपको बार बार करना है जितना हो सके आपसे। ठीक है, ऐसे करके हट जाना है। ऐसे आपका रिकॉर्डिंग चालू ही रखेगा। उसके बाद आपको सेकेंड वाले पार्ट में क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है साइड में। ठीक है, फिर आपका ऐसे थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेनी है। ठीक है, कि आप कुछ कर रहे हैं हाथ से। ठीक है, ये हुआ रिकॉर्डिंग का पार्ट, मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ कैप्चर वाले ऑप्शन में जाना है, पहले इसका कैप्चर ले लीजिए, कैप्चर एंड एड एज क्लिप कर दीजिए। ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको आगे आना है। आपने एक बार प्रेस किया फिर आप वापस हटे, फिर इसका आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ट्रिम पर जाइए और जो फोर्थ ऑप्शन है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, देखिए उससे क्या होगा, ट्रिम भी हो जाएगा और इसका कैप्चर भी आ जाता है। फिर उसके आगे वाला जो पार्ट है उसको आप वापस डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये हुआ। फिर आप वापस और आगे जाइए, आपने और एक बार प्रेस किया और वापस हटे, फिर यहाँ वापस आप सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए और ये फोर्थ वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे वाले जो वीडियो क्लिप है उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, आपको वापस यहाँ पे आगे आना है। ठीक है, और एक बार प्रेस किया फिर वापस आप हटे। देखिए ये हटे, इस बार एक बार हटे अभी। ठीक है, अभी इस पार्ट में वापस ट्रिम पर जाइए, फोर्थ वाले ऑप्शन पर जाइए और आगे वाला पार्ट है उसको डिलीट कर दीजिए। ऐसा जब तक होगा तब तक आपको करना है। ठीक है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद आपका जो ये दूसरा एक्टिंग चालू होता है, ठीक है, यहाँ पे कब से आप एक्टिंग करना चालू किए इसको सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहिट कर लीजिए। फिर आपको वीडियो क्लिप और कब तक चाहिए आगे में उतना तक रखिएगा, बेकार वाला पार्ट हटा दीजिए। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ जल्दी से, ये एक्टिंग खत्म हो गया, बस इतना होगा। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिम पर जाइए, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहिट कर दीजिए। ठीक है, ये वाला हो जाने के बाद आपका वीडियो कैसे बन के रेडी है वो आप देख लीजिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये वाला पार्ट को सेलेक्ट करना है, फिर थ्री डॉट पर जाइए, डुप्लीकेट एज लेयर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको इसका स्प्लिट कर देना है या फिर आप इसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, इसका पहले बड़ा कीजिए, अपने हिसाब से जूम आउट कर दीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद आप यहाँ पे क्रॉपिंग में जाइए, मास्क ऑन कीजिए, शेप में जाइए, ये वाला शेप को सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको यहाँ पे सेट कर दीजिए अपने हिसाब से,
मैं सेट कर लेता हूँ। ये होने के बाद इसको ओके कीजिए, वापस इसको सेलेक्ट कीजिए, क्रॉपिंग में जाइए और फेदर थोड़ा बढ़ा दीजिए, करीब 24 के आजू बाजू कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इस वाले को यहाँ पर लेकर के जाना है। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर आप एक्टिंग कब स्टार्ट किए हुए, ठीक है, आपने अपना हाथ कब हिलाना स्टार्ट किया, आपको ये देखना है मेन चीज। देखिए अभी स्टार्ट किए तो आपको यहाँ पे उसका टाइमिंग देख लेना है, मेन वही है आपका, ये आपका टाइमिंग देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने स्टार्ट किया है तो आपको क्या करना है, ये लो टाइम को देख लीजिए। ठीक है, ये टाइम ये 7.808 है। ठीक है, तो आपको जो आगे वाला कैप्चर है उसको भी वहीं तक लेकर के आना है, 7.808। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो आप सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं आपको हर बड़ी में थोड़ा बता रहा हूँ। फिर इसको वापस एक बार प्ले करके देखते हैं, अब इसको वापस एक बार प्ले करके देखते हैं। देखिए आपका मेन यहाँ पे मैच होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, हुआ। ठीक है, आपका सब वीडियो पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाना और अपने पसंद का कोई सा भी म्यूजिक आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पे सेव वाले बटन पे जाके अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।